गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 15 मोतीगज म्यूटिनियर्स. सो लेट्स बिगिन पेज नंबर 2. मोतीगज नेवर मिस्टुक द पाउंडिंग ब्लो ऑफ द लेटर फॉर द स्मैक ऑफ द फॉर्मर दैट फर्म वांट हिम टू गेट अप एंड टर्न ओवर ऑन द अदर साइड. मोतीगज जो है हमेशा जो उसका ओनर था वो क्या हमेशा उसको जब भी वो उसके कुछ करवाना चाहता था तो पहले से उसको वार्न करता था कि ये करना है, इधर साइड जाना है, तो वो उसी को फॉलो करता था. दीसा वो टुक लुक एट हिज फीट एंड एग्जामिन आइज. दीसा क्या करता था, जो उसका मालिक था वो उसको एग्जामिन करता था, उसकी आंखों की तरफ देखता था कि उसका क्या करने का मन है. एंड टर्न अप द फ्रिंक्स ऑफ हिज माइटी ईयर्स, और धीरे से उसके बड़े बड़े जो आँखें जो ईयर्स थे, बड़े कान थे, उनमें कुछ कहता था. आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड कम अप विद अ सॉन्ग फ्रॉम द सी. मोती का चॉल बैग ब्लैक एंड शाइनिंग वेविंग अ टोन ट्री ब्रांचेस 12 feet अलॉन्ग इन हिज ट्रंक एंड दिशा नॉटिंग अप हिज ओन लॉन्ग हेयर बैट हेयर. क्या करता था उसका एक ये प्रोसेस था कि उसको जो करवाना होता था वो उसके अपने हाथी के मोतीगज के कान में बताता था और वो उसको फिर ब्रांच को जो ट्री की ब्रांच वो तोड़ने का उखाड़ने का वर्क जो लिया था वो करता था. उसको हवा में 12 feet ऊपर जो है उखाड़ के फेंक लेता था और वहाँ पर जो उसको जो उसका ओनर था दिशा जो था वो उसके ऊपर बैठ के अपने गीले बालों को लहराता हुआ या फहराता हुआ इस तरह से जाता था. इट वॉज अ पीसफुल वेल पेड लाइफ. उनकी जिंदगी जोड़ी बड़ी मस्ती से कट रही थी दोनों की ही. फेल्ट द रिटर्न ऑफ द डिजायर टू ड्रिंक डीप. क्या था उनका लास्ट में वर्क करने के बाद दोनों ही ड्रिंक करके आराम से सोते थे. ही वेंट टू द प्लांटर एंड सेड माई मदर हैज़ डाइड. अब क्या करता है कि वो प्लांटर जो ओनर था वहाँ पर जो प्लांट्स उखड़वाने का जो काम कर रहा था उसके पास जाता है और कहता है कि मेरी मदर की डेथ हो गई है. कौन कहता है, दीसा मोतीगज का जो मालिक था. शी डाइड ऑन द लास्ट प्लांटेशन 2 months अगो. जो ओनर जो प्लांटर था वो क्या कहता है कि तुम्हारी मदर की डेथ तो 2 महीने पहले भी हुई थी, यानी उसने ये बहाना जो है पहले भी बनाया होगा कि मेरी मदर की डेथ. एंड शी डाइड वंस बिफोर दैट व्हेन यू वर वर्किंग फॉर मी लास्ट ईयर. और तुमने जो है प्लांटर कहता है उसे कि तुमने 2 साल पहले भी मुझसे यही कहा था कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है. देन इट्स माई आंट. वो क्या कहता है, वो तो मेरी आंट थी, चाची थी. एंड शी वॉज जस्ट द सेम एज द मदर टू मी. वो बिल्कुल मेरी मदर की तरह थी मेरे लिए, सैड दीसा ने उसे कहा. सी हैज़ लेफ्ट 18 स्मॉल चिल्ड्रेन एंटायरली विदाउट ब्रेड एंड इट इज़ हु आई मस्ट फिल देयर लिटिल स्टमक. सैड दीसा ने क्या कहा कि मेरी जो मदर है वो मर गई हैं, डेथ हो गई उनकी, और वो जो है 18 चिल्ड्रन छोड़ के गई हैं जिनकी देखभाल मुझे करनी है और उनका मुझे ही पेट भरना है. हु ब्रॉट द न्यूज़, सैड द प्लांटर ने कहा ये न्यूज़ तुम्हारे पास कौन लेके आया है. द पोस्ट, सैड दीसा ने कहा कि ये न्यूज़ जो है मेरे पास पोस्ट से आई है, बाई पोस्ट आई है. देयर हैज़ नॉट बीन अ पोस्ट हीयर फॉर द पास्ट वीक, गेट बैक टू योर वर्क. कहता है कि यहाँ तो कई पास्ट वीक यानी पिछले वीक कोई भी पोस्ट आई नहीं है यहाँ पर, जाओ ठीक है तुम्हारा बहाना बहुत हो गया, अपने काम पर वापस चले जाओ. ए हैवॉक सिकनेस हैज़ फॉलन ऑन माई ब्लेस एंड ऑल माई वाइफ्स आर डाइंग. अब दूसरा बहाना बताता है कि मेरे गाँव में एक बड़ी बीमारी आई जिससे मेरी सारी जो वाइफ्स हैं जो भी हैं वो मर गई हैं, उनकी डेथ हो गई. यार दीसा रियली इन टीयर्स दिस टाइम. अब उसकी आंखों में आंसू थे, वो ऐसे नौटंकी ड्रामेबाजी कर रहा था. कॉल चिहुन हु कम्स फ्रॉम दीसाज ब्लेस. वो कहता अच्छा चिहुन को बुलाओ जो दीसा के गांव से आता है या गांव का रहने वाला. प्लांटर ने कहा चिहुन हैज़ दिस मैन गॉट अ वाइफ. वो कहता चिहुन कहता क्या इसकी वाइफ है, इसकी तो कोई वाइफ है ही नहीं, ये तो मैरिड जिसकी हुई ही नहीं है. चिहुन बताता है ही सैड चिहुन. वो कहते क्या इसने कहा कि इसकी वाइफ की डेथ हो, इसकी तो वाइफ है ही नहीं. नो नॉट अ वुमैन ऑफ आवर ब्लेज वो टुक एट हिम दे हैड सूनर मैरी द एलिफेंट. वो कहती है हमारे गाँव की कोई भी लेडी इसकी तरफ देखती तक नहीं है, इससे अच्छा तो उनके लिए किसी हाथी से मैरिज करना है. चिहुन स्नोटेड दीसा वेप्ट और एंड विलोड. चिहुन जो है वो उसकी तरफ गुस्सा करता है, देखता है तो वो जो है अपनी गलती वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी जो है गलती वो पकड़ी गई है. यू विल गेट इन टू अ डिफ़िकल्टी इन मिनट सैड द प्लांटर गो बैक टू योर वर्क. कहता है जल्द अच्छा है
ऐसा है कि अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अच्छा है कि अब तुम जल्दी से जाओ और 1 मिनट के अंदर अपने काम पर वापस चले जाओ। एंड नाउ आई विल स्पीक द ट्रुथ। गर्ब अब कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अब आपको सच्चाई बताता हूँ, अब तक तुम्हें बहाने बना रहा था। विद एन इंस्पिरेशन, आई हैव नॉट बीन ड्रंक फॉर 2 मंथ्स। मैंने 2 महीने से यहाँ पर ड्रंक, वो ड्रिंक करता था और अपने हाथी को भी करवाता था कि मैंने नहीं किया है। डिज़ायर टू डिपार्ट इन अदर टू गेट प्रॉपरली ड्रंक आफर ऑफ एंड डिस्टेंट फ्रॉम हिज हेवनली प्लांटेशन, दस आई शैल कॉज नो ट्रबल। वो कहता है ठीक है, मैं मुझे ड्रिंक करना है, इसके लिए मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए और मैं यहाँ पर ये काम की वजह से नहीं कर पाऊँ, उसके बाद मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। ए फ्लिकरिंग स्माइल क्रॉस द प्लांटर्स फेस, दिसा दिसा। अब वो कहता है सैड ही। अब प्लांटर ने कहा अच्छा ठीक है, अब मुझे पता है अब तुमने सच बोला है, तुम्हारी सच्चाई बिल्कुल सामने आ चुकी है। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ एंड आई हैड गेट यू लीव ऑन द स्पॉट इफ एनी थिंग कुड बी डन विद मोतीगस वाइल यू आर अवे। वो कहता है ठीक है, अब तुमने सच बता दिया तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे जो हाथी को यहाँ पर काम करना होगा जब तुम यहाँ से जाओगे। यू नो दैट ही विल ओनली ओबे योर। वो आप जानते हो कि तुम्हारा हाथी सिर्फ तुम्हारा ही ऑर्डर मानता है, तो वो यहाँ पर काम कैसे करेगा तुम चले जाओगे। दीसा कॉल्ड मोतीगज इन द स्ट्रेंज लैंग्वेज एंड से। दीसा ने अपने हाथी को बुलाया मोतीगज को और उसको एक अजीब सी भाषा में कहा, लाइट ऑफ माई हार्ट गिव ईयर्स। मुझे अपना कान यानी कान में बताता है उसको। सैड दीसा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, हाथी के सामने खड़े होकर उससे कहता है, मोतीगज गेव ईयर एंड सैल्यूटेड विद हिज टंग। मोतीगज ने अपने कान उसके पास कर दिए, उसको सैल्यूट किया। आई एम गोइंग अबे, दीसा ने उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ। मोतीगज आईज ट्विंकल्ड, उसकी आँखें चमक रही थी। ही लाइक्ड जॉन्स एज वेल एज हिज मास्टर, क्योंकि उसको अपना मास्टर सबसे ज़्यादा प्यारा था मोतीगज को। वन कुड स्नैच ऑल मैनर ऑफ नाइस थिंग्स फ्रॉम द रोड साइड देन, यानी वो और किसी को पसंद नहीं करता था, सिर्फ जो भी ऑर्डर थे अपने मालिक के ही मानता था। बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क, यानी मैं तो जाऊँगा लेकिन तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा और अपना काम कंप्लीट करना होगा मेरे जाने के बाद भी। नेक्स्ट, मोतीगज गेव ईयर्स बिहाइंड हर, द ट्विंकल डाइड आउट हिज मोतीगज ट्राई टू लुक डिलाइटेड। जो उसकी आंखें चमक रही थी कि मुझे, वो सोच रहा था कि मैं भी अपने मालिक के साथ चला जाऊंगा, लेकिन अब वो थोड़ी डायड उसकी आंखों की चमक चली जाती है। वो कहता आई शैल बी गॉन फॉर 10 डेज। जो दीसा था अपने हाथी से कहता है मोतीगज कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ। दीसा टुक अ टेंट पैग एंड बैंग्ड मोतीगज 10 टाइम्स ऑन द नेल्स। वो उसके नेल्स पर, हाथी के पैर पर मार के 10 टाइम्स मार के बताता है। इसका मतलब वो समझ जाता है कि मेरा मालिक जो है 10 दिन के लिए मुझसे दूर जा रहा है। मोतीगज ग्रंटेड एंड सल्यूटेड फ्रॉम फूट टू फूट। वो उसको अपनी आवाज़ निकालता चिल्लाने की और उसको अपने मालिक को दीसा को सैल्यूट करता है जाने से पहले। सो आई हैव कम्प्लीटेड दिस पेज टुडे। नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।